हेलो स्टूडेंट, इन दिस सेशन वी डिस्कस अबाउट द एवोगैड्रो लॉ विच कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैटर. अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सेम वॉल्यूम हैविंग डिफरेंट कंटेनर्स हैविंग डिफरेंट गैसेस, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन देम. Avogadro states that equal volume of different container having different gases have same number of molecule at STP, standard temperature and pressure, that is same temperature or same pressure. पर अलग अलग container में, equal volume के अलग अलग container में different gases हैं, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे. देखें, एवोगैड्रो ला, एवोगैड्रो ला जैसे समझिए, एक कंटेनर है, थ्री कंटेनर आर देयर, V1 विच इज इक्वल टू द V2 विच इज इक्वल टू द V3. It contains carbon dioxide gas. It is having the oxygen gas, and it contains hydrogen gas. Different gases are there, but volume are same. Temperature constant, pressure constant. Then अब जनरली क्या होगा कि जो हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल स्मॉलर होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और थोड़ा सा लार्जर होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और लार्जर होंगे. तो होगा यू कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर इनका कंटेनर सेम है तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं तो उस कंटेनर में ज़्यादा नंबर में आएंगे. लेकिन ऐसा होता नहीं है. चाहे मॉलिक्यूल छोटे हों चाहे बड़े हों, किसी भी गैस के अगर एसटीपी पे कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम सेम है कंटेनर का, और डिफरेंट गैसेस हैं, इक्वल अमाउंट में गैसेस हैं, सेम अलग अलग गैसे हैं, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे. तो इट इज डिराइव्ड एज V equal to N. That is, we can say that V is directly proportional to the N. Volume of gas is directly proportional to the number of molecule. (22.4 liter) gas contains 6.023 × 10³³ मॉलिक्यूल एट एसटीपी. एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. इन दिस कंडीशन टेम्परेचर टेकन एज 0°C विच इज इक्वल टू द 273.15 केल्विन एंड प्रेशर टेकन एज 1 bar. इन दिस कंडीशन 1 bar 1 atm लेंगे तो यहाँ पे 22.4 होगा. मैंने एसटीपी में 1 bar लेते हैं तो यहाँ पे 22.7 हो जाएगा. ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि 1 atm
इक्वल टू 1.03 बार होता है, विच इज नियरली, विच इज क्लोज टू द 1 ATM इज क्लोज टू द 1 bar। तो ये जो 0.4 और 0.7 का डिफरेंस आता है इसके रिलेशन की वजह से आता है। ATM लेंगे तो यहाँ पे 0.4 होगा, और बार यूनिट लेंगे, प्रेशर बार लेंगे, STP में बार लेते हैं तो बार यूनिट लेंगे, तो यहाँ पे 22.7 लीटर गैस कंटेन 6.023 × 10^23 मलिक्यूल। इट इज एवोगैड्रो नंबर, दिस इज एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाई एवोगैड्रो नंबर NE। तो एवोगैड्रो ला, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो ला, इक्वल मास एंड इक्वल वॉल्यूम में अगर डिफरेंट गैसेस हैं, STP कंडीशन है, तो अलग अलग गैसें हैं लेकिन उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल नंबर में सारी गैसों के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो दिस इज एवोगैड्रो ला विच टेल्स अबाउट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग प्लेस डिफरेंट गैसेस इन डिफरेंट कंटेनर विच इज इन द इक्वल अमाउंट, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिकम सेम। वॉल्यूम ऑफ 1 mole ऑफ गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।